ओडिशा के ओंगोल से 5 टैंकर्स के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इतवार को तेलंगाना पहुंच गई। 5 खाली टैंकर्स सिकंदराबाद से 28 अप्रैल को ओडिशा भेजे गए थे। लिक्विड ऑक्सीजन से भरने के बाद इन टैंकर्स को सिकंदराबाद वापस लाया गया। 5 टैंकर्स के जरिए तकरीबन 124 टन लिक्विड ऑक्सीजन लाई जाने की बात कही जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि रियासत में मौजूदा ऑक्सीजन की किल्लत इस इकदाम से दूर हो जाएगी। बता दें कि मौजूदा वबाई दौर और ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इंडियन रेलवे ने ऑक्सीजन की दस्तियाबी के लिए मुल्क भर में ग्रीन कॉरिडोर फराहम किया है।